Hidayah Islamic International School is a blend of modern and Islamic curriculum. Admissions open. Mehendipatnam, Santosh Nagar, Sun City, Bahadurpura, Hyderabad. Assalamu alaikum. आप सबको यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। केबीएन स्पीड न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं 15 अगस्त 2021 की टॉप 20 न्यूज़। हेती में जबरदस्त जलजला, 300 से ज्यादा अफराद हलाक। कैरेबियन समंदर के जजीरे हेती में जबरदस्त जलजला आया। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 7.2 थी। हेती सिविल प्रोटेक्शन एजेंसी के हुक्काम ने बताया कि हादसे में 304 अफराद हलाक हुए। मजीद कई अफराद के मलबे के नीचे दबे होने की इत्तला थे। अचानक जलजले से बड़ी बड़ी इमारतें मुनहदम हो गई। खौफजदा लोग सड़कों पर निकल पड़े। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जलजले का मरकज बहरुल काहिल से तकरीबन 160 किलोमीटर के फासले पर बताया गया। बड़े पैमाने पर इमदादी और राहत का काम जारी है। पाकिस्तान में मिनी ट्रक में हुआ धमाका, 13 अफराद हुए हलाक। जुनूबी पाकिस्तान के शहर कराची में मिनी ट्रक में धमाका होने से कम 13 अफराद हलाक और कई जख्मी हो गए। कौमी मीडिया ने इतवार को इत्तला दी। जियो टीवी ब्रॉडकास्टर के मुताबिक इब्तदाई तफ्तीश से पता चला है कि एक दस्ती बम के फटने की वजह से यह धमाका हुआ। शुमाल मगरबी लबनान में टैंकर धमाके में कम अज़ कम 20 अफराद हलाक। मॉस्को शुमाल मगरबी लबनान के जिले अकार में एक टैंकर फटने से कम अज़ कम 20 अफराद हलाक हो गए। लिबनानी रेड क्रॉस ने इतवार को इत्तला दी। खबलजी अल अरबिया ब्रॉडकास्टर ने कम अज़ कम 10 अफराद की हलाकत और 100 से ज्यादा के जख्मी होने की इत्तला दी थी। रेड क्रॉस ने एक ट्वीट में कहा कि हमारी टीमों ने 20 अफराद की लाशें निकाली हैं और अब तक 7 से ज्यादा अफराद के जख्मी होने की इत्तला मिली है। अफगानिस्तान का आखिरी खिला भी मुनहदम। राजधानी काबुल में पहुंच गए तालिबान जंगजू। अफगानिस्तान के तमाम बड़े शहरों पर कब्जा करने के बाद अब तालिबान के मुबैना जंगजू राजधानी काबुल में भी घुस गए। तालिबान के अफसरान ने दावा किया है कि वो आइंदा 2 घंटे में काबुल पर भी कब्जा कर लेंगे। न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक काबुल के मुकामी लोगों ने भी तालिबान के वहां पहुंचने की तस्दीक कर दी। इससे पहले अफगानिस्तान के एक रुकन पार्लियामेंट ने कहा कि शिद्दत पसंदों ने काबुल से महज कुछ दूर मगरिब में वाकई एक सूबाई दारुल हुकूमत पर कब्जा कर लिया है। उर्दू 10 बड़ी जबानों में शामिल। अंग्रेजी दुनिया भर में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जबान। एक आलमी तहकीक के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली 25 जबानों में से पहले नंबर पर अंग्रेजी जबान है, जिसके बाद दूसरा नंबर हिंदी का है, तीसरा मैंडेरियन चाइनीज, चौथे नंबर पर हिस्पानवी और पांचवें नंबर पर स्टैंडर्ड अरबी है। रिपोर्ट के मुताबिक अरबी जबान की यह किस्म मशरिकी वस्ता और अफ्रीका के 25 ममालिक के तकरीबन 27.5 करोड़ अफराद बोलते हैं। हिंदुस्तान को तालिबान ने दी वार्निंग, अफगानिस्तान में फौजी इकदाम पर नतीजा अच्छा नहीं होगा। तालिबान ने हिंदुस्तान को अफगानिस्तान में फौजी इकदाम के खिलाफ वार्निंग देते हुए दीगर फौजी ताकतों के हशर की तरफ इशारा किया। तालिबान के तर्जुबान सुहेल शाहीन ने कहा कि अगर हिंदुस्तान अफगानिस्तान में फौजी अंदाज में आता है और अपनी मौजूदगी दिखाता है तो मेरे ख्याल में ये इसके लिए अच्छा नहीं होगा। इसने अफगानिस्तान में दूसरे मुल्कों की फौजी मौजूदगी का हशर देख लिया है, ये खुली किताब है। उन्होंने इस बात की भी तर्दीद की कि तालिबान के ताल्लुक पाकिस्तान से सरगर्म दहशतगर्द ग्रुपों के साथ हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की इत्तला जमीनी हकाक पर मबनी नहीं है और इनका मकसद सी है। कोरोना की शिद्दत में आई कमी, लेकिन ये अभी पूरी तरह नहीं हुआ है खत्म। सदर रामनाथ कोविंद का मुल्क के नाम पैगाम, यौम आज़ादी की दी मुबारकबाद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यौम आज़ादी के मौके पर अहले वतन को मुबारकबाद दी है। इतवार को एक ट्वीट पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा, आप सबको 75वीं यौम आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज़ादी के अमृत महोत्सव का ये साल हम वतनों में नई तवानाई और नया शऊर पैदा करे। जय हिंद। सभी आर्मी स्कूल के दरवाजे बेटियों के लिए खुलेंगे, मोदी ने कहा। दिल्ली हुकूमत ने वुमेन एम्पावरमेंट की सिमत में एक बड़ा कदम उठाते हुए मुल्क के तमाम आर्मी स्कूल के दरवाजे अब लड़कियों के लिए खोल दिए हैं, जिससे तमाम स्कूलों में अब लड़कों के साथ लड़कियों को भी दाखिला दिया जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 75वीं यौम आज़ादी पर लाल किले से अपने खिताब में इतवार के रोज खुद इसका ऐलान किया। मिस्टर मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान की बेटियां मुल्क के हर शोबे में अपनी जगह बनाने लगी हैं और इसलिए अब हुकूमत ने फैसला किया है कि तमाम फौजी स्कूलों में लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी दाखिला दिया जाएगा। पार्लियामेंट में मंजूर होने वाले कवानीन पर चीफ जस्टिस एनवी रमना ने किए अहम रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस एनवी रमना ने हिंदुस्तानी पार्लियामेंट में मंजूर होने वाले कवानीन पर अहम रिमार्क्स किए। 75वें यौम आज़ादी की तकरीब के मौके पर सुप्रीम कोर्ट में कौमी परचम लहराने के बाद चीफ जस्टिस एनवी रमना ने मीडिया से गुफ्तगू की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने पार्लियामेंट में कानून साजी के तरीकों पर रिमार्क्स किए। उन्होंने अफसोस का इजहार किया है कि पार्लियामेंट में कवानीन पर तफसीली बहस नहीं हो रही है। चीफ जस्टिस ने कहा कि कानून साजी के दौरान मियारी बहस के बगैर कवानीन बनाने से कानूनी पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं। यौम आज़ादी पर मुश्तैल किसानों ने पुरअमन तौर पर तिरंगा लहराया, पुलिस ने ली राहत की सांस। दिल्ली पुलिस ने इतवार को राहत की सांस ली क्योंकि यौम आज़ादी के मौके पर दारुल हुकूमत में किसानों के एहतजाज से मुतल्लिक कोई प्रोग्राम नहीं था। किसान रहनुमा जो महीनों से नए ज़रई क़वानीन के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, उन्होंने दिल्ली की सरहद में कोई प्रोग्राम मुनक़िद न करने का ऐलान किया था। दिल्ली और उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सरहदों पर धरने पर बैठे किसानों की सलामती से मुतल्लिक फिक्रमंद दिल्ली पुलिस ने इतवार को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तकरीर के बाद राहत की सांस ली। कश्मीर में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के साय में यौम आज़ादी तकारीब मुनक़िद की गई। वादी कश्मीर में इतवार को मुल्क के 75वें यौम आज़ादी की तकरीबा सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त के बीच मनाई गई।
طلبہ کی خودکشی کے واقعات تلنگانہ اور آندھرا پردیش پر قومی انسانی حقوق کمیشن ہوا برہم۔ قومی انسانی حقوق کمیشن نے تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں طلبہ کی خودکشی کے واقعات پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے ان واقعات کے انسداد کے لیے موضوع اقدامات نہ کرنے کے لیے دونوں ریاستوں پر برہمی کا اظہار کیا۔ کمیشن نے کہا کہ یہ دونوں ریاستیں طلبہ کی خودکشی کے واقعات کو روکنے میں ناکام رہی ہیں۔ دونوں ریاستوں کو طلبہ کی خودکشی کے واقعات پر تفصیلی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت بھی دی گئی ہے۔ چیف منسٹر نے قلعہ گولکنڈہ میں قومی پرچم لہرایا۔ آج 10:30 بجے چیف منسٹر نے تاریخی قلعہ گولکنڈہ میں قومی پرچم لہراتے ہوئے عوام کو یوم آزادی کی دی مبارکباد۔ یوم آزادی کے موقع پر گورنر ڈاکٹر سویندرا راجن نے دی عوام کو مبارکباد۔ گورنر ڈاکٹر ٹی سویندرا راجن نے ہمارے ملک کی 75ویں یوم آزادی کی تقریب کے موقع پر دلی مبارکباد دی ہے۔ جاری کردہ ایک پیام میں گورنر نے کہا کہ 75ویں یوم آزادی تقریب، جو آزادی کا امرت مہوتسو کے طور پر منائی جا رہی ہے، ہمارے ملک کی تاریخ کا ایک یادگار دن ہے۔ کسان نے کھیت میں ہندوستان کا نقشہ پودوں کو تراشتے ہوئے بنایا۔ ایک کسان نے اپنے کھیت میں ہندوستان کا نقشہ پودوں کو تراشتے ہوئے بنایا۔ اس خوبصورت منظر پر ضلع کریم نگر کے چپا ڈنڈی منڈل کے پدا گرو پا پلی کے رہنے والے ملک ارجن ریڈی کو قومی مثالی کسان ایوارڈ حاصل ہوا ہے۔ انہوں نے اپنے اس انوکھے کارنامے کے ذریعے ملک سے اٹوٹ محبت اور حب الوطنی کا اظہار کیا ہے۔ کھیت میں اس طرح کا نقشہ بنائے جانے پر تمام کی توجہ اس جانب مرکوز ہو رہی ہے اور کئی افراد اس کے کارنامے کو دیکھنے کے لیے ملک ارجن ریڈی کے کھیت کی طرف آ رہے ہیں۔ اس کی ویڈیوز اور تصاویر بھی وائرل ہو گئی ہیں۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے شیخ پیٹ میں قومی پرچم لہرایا۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے شہر کے آدتیہ نگر شیخ پیٹ میں واقع سیدہ فلک کراٹے اکیڈمی میں یوم آزادی کے موقع پر قومی پرچم کی کشائی کی۔ اس موقع پر کاروان ایم ایل اے جناب کوثر محی الدین اور شیخ پیٹ کارپوریٹر رشید فراز الدین اور عوام کی بڑی تعداد موجود تھی۔ جناب اکبر الدین اویسی نے قومی پرچم لہرایا۔ تلنگانہ قانون ساز اسمبلی میں مجلس کے فلور لیڈر جناب اکبر الدین اویسی نے اویسی اسکول میں یوم آزادی کے موقع پر قومی پرچم کشائی کی۔ اس تقریب میں اساتذہ اویسی اسکول آف ایکسلنس کا پرچم کشائی کے مسئلے پر ٹی آر ایس اور بی جے پی کارکنوں میں ہوا تصادم، بی جے پی کارپوریٹر ہوئے زخمی۔ حیدرآباد کے ملکاجگیری سرکل میں پرچم کشائی کے موقع پر ٹی آر ایس اور بی جے پی کے کارکنوں میں تصادم کا واقعہ پیش آیا۔ بی جے پی کے کارپوریٹر شراون پر ٹی آر ایس کے کارکنوں نے حملہ کر دیا۔ بی جے پی کے کارکنوں نے الزام لگایا کہ رکن اسمبلی ایم ہیمنت راؤ کے موجودگی میں یہ حملہ کیا گیا۔ یوم آزادی کی تقریب جی ایچ ایم سی ملکاجگیری کے دفتر میں منعقد کی گئی تھی۔ زخمی کارپوریٹر کو ملکاجگیری کے سرکاری اسپتال میں طبی امداد پہنچائی گئی۔ اس واقعے کے بعد بی جے پی کے برہم کارکنوں نے دھرنا دیا اور ہنمنت راؤ کے خلاف نعرے بازی کی۔ بنڈی سنجے نے اسپتال میں شریک کارپوریٹر کی عیادت کی۔ آئندہ 3 دنوں تک ہو سکتی ہے حیدرآباد میں بارش۔ ایک ہفتے سے گرم موسم کے بعد شہر کے کچھ حصوں میں کل شام شدید بارش ہوئی۔ تلنگانہ اسٹیٹ ڈیولپمنٹ پلاننگ سوسائٹی کے مطابق شہر میں آئندہ 3 دنوں کے دوران ہلکی سے اوسط بارش یا گرج اور چمک کے ساتھ بوندا باندی ہو سکتی ہے۔ اعظم ترین درجہ حرارت 32 سے 34 ڈگری کے آس پاس ہو سکتا ہے۔ ہدایہ جونیئر کالج، کامیابی دونوں جہاں میں۔ زیر نگرانی مسٹر محمد ریاض الدین۔ رینک اورینٹڈ کوچنگ فار نیٹ، ایم سیٹ، آئی آئی ٹی اینڈ سی اے۔ لڑکے اور لڑکیوں کے لیے الحیدہ بلڈنگ۔ چوز دین، دنیا ول فالوز یو۔ ہدایہ جونیئر کالج، ایڈمیشنز آر اوپن۔ مہندی پٹم، حافظ بابا نگر، سنتوش نگر، حیدرآباد۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔